आईएएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के नाते रिश्तेदारों सहित गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार प्रशासन का तेवर तल्ख है। आए दिन प्रशासन मुनादी के बीच इनकी चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को एसपी के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के सदर रोड पर स्थित मुख्तार के सहयोगी जफर खां उर्फ चंदा की करोड़ों की भूमि को मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ लगातार गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। लगातार उन मुकदमों में धारा 14(1) की कार्रवाई हो रही है। विगत 2 माह में मुख्तार अंसारी गैंग की 43 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की की गई है। इसी क्रम में आज आईएएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार के सहयोगी जफर खां उर्फ चंदा की मोहम्मदाबाद सदर रोड पर स्थित भूमि को जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की गई। यह जमीन मुख्तार अंसारी ने अपने सहयोगी जफर खां उर्फ चंदा के नाम किया था। एसपी ने बताया कि चंदा के खिलाफ गाजीपुर सहित अन्य जनपदों में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बाराबंकी में भी इसके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है। बताया कि कुर्क की गई भूमि की बाजारू कीमत 4,20,00,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि मुख्तार सहित गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का क्रम जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान SDM हर्षिता तिवारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही।